नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, EMI के फोन में एक प्रॉब्लम आ रहा है और ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, फाइंड डिवाइस क्लोज अनएक्सेप्टेडली। मतलब कि जिनके फोन में EMI UI वर्जन 12.0 से ऊपर है, उनके फोन में ऐसा आ जा रहा है और ऐसा आ जाने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद फिर ओपन होता है तो फिर इसी तरह का लिखा हुआ आता है और लॉक खोलने के बाद 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर स्विच ऑफ हो जाती है। तो इसे कैसे फिक्स करेंगे, इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएंगे, आज के इस वीडियो में जानेंगे, वो भी बिना डाटा डिलीट किए हुए। दोस्तों, आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये एक तरह का बग है। YouTube पे काफी वीडियो में बताया गया है कि आप अपने फोन को रीसेट करके इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों रीसेट करने का हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर फिर से हमारा मोबाइल रिबूट हो जाती है। और दोस्तों, जिनका मोबाइल का अगर पैटर्न लॉक नहीं होता है तो उनका मोबाइल 1 सेकंड के अंदर अंदर रिबूट हो जाती है। तो दोस्तों, इसे ठीक करने के लिए आप अपने फोन को एक बार स्विच ऑफ होने दीजिएगा, रिबूट होने दीजिएगा। रिबूट होकर जब ऑन होगा तो आपका मोबाइल थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और आपके फोन में एक ऐप होगा, एयरटेल थैंक्स ऐप। आप देख लीजिए, एयरटेल थैंक्स ऐप इस तरह का होता है, आपको सिंपली उसे अनइंस्टॉल कर देना है। दोस्तों, EMI का ये जो बग है एयरटेल के ऐप से हो सकता है ये मैच नहीं कर रहा हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मेरे भी फोन में ऐसा ही हो रहा था, तो मैं इस एयरटेल थैंक्स ऐप को जब अनइंस्टॉल कर दिया तो मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। दोस्तों, मेरा गारंटी है कि जब आप एयरटेल थैंक्स ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपकी फोन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपकी फोन की प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। और जिन लोगों का एयरटेल थैंक्स ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है, उनका फोन अभी नहीं ठीक हो रहा है और इसी तरह का लिखा हुआ आ रहा है, फाइंड डिवाइस क्लोज अनएक्सेप्टेडली, तो वो हमें कमेंट करके बताएं, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी फोन में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका भी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।